हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल डेली शॉर्ट्स विद विकास। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भाई कुछ एजुकेशनल न्यूज़ आई हैं अभी जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। तो फर्स्ट जो न्यूज़ है वो रिगार्डिंग पीएचडी है। अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि पीएचडी मैंडेटरी नहीं है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है ना। ये पहले 2018 में जब प्रकाश जावड़ेकर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे तो उन्होंने अनाउंस किया था कि 2021 जुलाई से पीएचडी आपकी मैंडेटरी हो जाएगी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप अप्लाई करते हो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के लिए था, कॉलेजेस के लिए नहीं था। और इवन जो कॉलेजेस यूजीसी के अंडर आते हैं डायरेक्ट, उनके लिए था। जो कॉलेजेस आप स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं वहाँ पे ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होता। तो जैसे हमारे हरियाणा में अगर स्पेशली बात करें तो जो कॉलेज कैडर है वो एचपीएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है उसकी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। तो वहाँ पे पीएचडी मैंडेटरी नहीं होती। वो मैंडेटरी होती तो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होती, जहाँ पे जो चीज़ें यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर जो चीज़ें आती हैं वहाँ पर वो चीज़ें एप्लीकेबल होती। तो अभी गवर्नमेंट ने उसके लिए भी बोल दिया है कि भाई आपकी जो पीएचडी है वो मैंडेटरी नहीं है। तो वो जो ये डिसीज़न है ये होल्ड पे लिया गया है फॉर वन ईयर ओनली। तो जो ये एकेडमिक सेशन जो अभी चल रहा है 2021 और 2022 का, ये वाला जो एकेडमिक सेशन चल रहा है, इस एकेडमिक सेशन के लिए ये आपका अभी मैंडेटरी नहीं रहेगी पीएचडी। आप अगर आपके पास नेट है तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो, और आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़। आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। और ये जो क्राइटेरिया है अभी तो ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि इसमें कुछ बच्चों की कोविड की वजह से पीएचडी अभी कंप्लीट नहीं हो पाई तो उनको ज़्यादा टाइम लगा। तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिलैक्सेशन दी है गवर्नमेंट ने ताकि आप पीएचडी अपनी कंप्लीट कर पाओ। और नेक्स्ट ईयर से ये जो नेक्स्ट सेशन होगा 2022 और 2023 वाला जो सेशन होगा उसमें ये मैंडेटरी हो जाएगी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो है सीटेट और एचटेट से रिलेटेड। इसमें अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अगर किसी कैंडिडेट का, किसी स्टूडेंट का, अगर उसने सीटेट किया हुआ है, सीटेट मेनली दो लेवल पे होता है, लेवल वन और लेवल टू, यानी पीआरटी और टीजीटी लेवल पे सीटेट होता है। अगर किसी कैंडिडेट ने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है, चाहे वो पीआरटी का हो चाहे वो टीजीटी की पोस्ट के लिए हो, तो उसको एचटेट क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ने बोला है कि जिस कैंडिडेट का या तो पीआरटी लेवल का या फिर टीजीटी लेवल का या फिर दोनों, अगर किसी स्टूडेंट ने सीटेट क्रैक किया हुआ है तो उसको हरियाणा के अंदर अप्लाई करने के लिए एचटेट क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो अगर उसका सीटेट है तो उसको इक्विवेलेंट माना जाएगा एचटेट के। तो ये सरकार ने अभी दो दिन पहले ये नोटिस आया था और इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि जो सीटेट है और जो स्टेट टेट है इनको इक्वल कंसिडर किया जाए, इक्विवेलेंट वेटेज दी गई है दोनों को। नेक्स्ट हमारे पास भी आज डीयू की कट ऑफ्स आई है। तो अभी डीयू की साइट तो अभी क्रैश कर रही है क्योंकि उस पर नंबर ऑफ़ विजिटर एक दिन में ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप कोई भी जो न्यूज़ जो चैनल्स होते हैं, जो न्यूज़ की जो वेबसाइट्स होती हैं जैसे एनडीटीवी से या फिर आज तक से, आपको वो कट ऑफ्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हो वहाँ जाके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।